नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। हम खड़े हैं एडीसीपी ऑफिस के समक्ष, जहां पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित किया गया है। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके चीजों को और स्पष्ट समझते हैं और जानते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। शीली दवाओं व प्रतिबंधित कफ सिरप समेत दो गिरफ्तार। सिलीगुड़ी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसओजी और भक्तिनगर पुलिस ने सिलीगुड़ी के विद्या चक्र कॉलोनी इलाके में अवैध कफ सिरप और नशीली दवाओं के इंजेक्शन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान विद्याचक कॉलोनी निवासी शंपा मुनि और समीर चंद्र राय के रूप में हुई है। उनके पास से 15 बोतल अवैध कफ सिरप और 6666 पीस नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन बुधवार दोपहर को अंजाम दिया गया। आइए इसी से जुड़ा हुआ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, सुनते हैं और चीज़ों को स्पष्ट समझते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के माध्यम से। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। आप सबका दिन शुभ हो। सतर्क रहे, सावधान रहे और समाज को बचाए ऐसे कुकृत कर्मों से। टॉर्चर कीजिए तकराबाद में तो हम लोग है ही है। एक लड़का माने कोनो लड़का में माने सही नहीं है। सब लड़का लड़का नशा क्या क्या सुई ला रहा है नशा। सब जगह जगह में नशा, जगह जगह में नशा बिक्री होता है, जगह जगह। हमारा भी लड़का 3 साल के काम नहीं करता घंटे। सब घर में भी है। आपका लड़का भी नशा करता है? नहीं, अभी तो नहीं करता, पहले करता था। ऐसे लोगों की वजह से किसका यहाँ कहाँ पर बिक्री होता नहीं होता वो लोग नहीं आता ना। सिलीगुड़ी थाना, सिलीगुड़ी कमिश्नरेट इलाके में आज 3 NDPS का केस हो रहा है। जो पहला केस है वो खालपाड़ा DOP में है। इस केस में हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में याबा टैबलेट सीज किया है। उसके अलावा बहुत सारे कफ सिरप सीज किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन सीज किए गए हैं जिनका कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं था अवेलेबल वहाँ पे। इसके अलावा इस केस में 1.5 लाख रुपीज़ सीज किया गया है और साथ ही साथ 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जिनका नाम सुजीत गुप्ता और आशीष साहा है। इसके अलावा भक्तिनगर के थाना इलाके में 2 और केस हुए हैं। एक विद्या चक्र कॉलोनी में जो केस हुआ है उसमें इंजेक्शन पाया गया है और कफ सिरप पाया गया है। इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें भी एक NDPS केस हो रहा है। इसके अलावा चेक पोस्ट के इलाके में भी 18 kg के आसपास गांजा बरामद किया गया है एक लेडी के पास से। उसमें भी एक सेपरेट NDPS का केस हो रहा है। ये 3 केस आज हमारे सिलीगुड़ी कमिश्नरेट इलाके में हो रहे हैं। सर टोटल कितने आदमी अरेस्ट हुए और कितना का माल सर सकते हैं? टोटल 5 3 केस मिला के 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उस 5 केस में अनुमानिक जो सामान होगा 30-35 लाख का होगा। सर लेकिन ये तो छोटे छोटे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माल लेने देने का काम करते हैं, जो मास्टरमाइंड है तो वहाँ पे टीम नहीं। जो हमारा जो पहला केस है, जो केस है जो इस केस में हमने काफ़ी भारी मात्रा में कार्टन वगैरह पकड़े हैं, अराउंड 100 कार्टन पकड़े हैं, तो वो एक बड़ा कैच है हमारा। इसमें हम कितने कार्टन पकड़े उसमें अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग है, अराउंड 100 बॉक्सेज हैं। उसके अलावा 3000 याबा टैबलेट है उसके साथ और 1.5 लाख के आसपास हमारे टोटल कैश का सीज़र है। अच्छा सर, सालबाड़ी नया बस्ती में 2 दिन पहला करीब 5-6 kg गांजा वहाँ पर पकड़ गया था। 2 लेडी को विरत में ले गया था प्रधान नगर थाना की ओर से। हमारा अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ हमें कोई भी खबर मिलती है तो सर वहाँ पर 2 लेडी ने जो वहाँ का लोकल एक माँ बोल के कोई लेडी है उसका नाम दिया था, लेकिन लोकल लोग का मुताबिक अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के पास हम लोग को ऐसी खबर मिलती है तो उसके हिसाब से उस पर वर्कआउट किया जाता है। वर्कआउट के हिसाब से हम लोग केस में देखते हैं कैसे क्या करना है। सर एक चीज़ अभी देखा जा रहा है जो महिलाओं को, सर अभी मादक तस्करी में जो है महिलाओं का जो ज़्यादा उनका ये तो उस तरफ से क्या है? हाँ, ये वाला पार्ट भी हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली हमारे कमिश्नरेट इलाके में बार बार अभियान चलता रहता है, तो एक ये एक नया तरह का वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त हैं कि महिलाओं को या बच्चों को दे के ऐसा करके उनकी से पाचार कराया जाए। पर उसमें भी हम लोग उस पार्ट को भी देख रहे हैं, हर चीज़ को गंभीरता से देखा जा रहा है कि जो भी संलिप्त होगा अगर उसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो पुलिस
पुलिस आईन के हिसाब से एक्शन लेगी उसमें। सर ये जो चार नंबर वाला है जो जिसमें आप दुकान जो है ठोकर में जो है, पर ये जो है इसमें से जो भी हमने जो सीज़ किया है उसमें जो याबा टैबलेट्स वगैरह है इसकी बिक्री किसी भी दुकान में प्रिस्क्राइब नहीं है। बाकी बहुत सारी जो ऐसी क्वांटिटी है जो सामान हमें मिले हैं वो दुकानों में बिक्री जिनकी नहीं होती ऐसे सामान मिले हैं, और उसके बारे में ये लोग कुछ हमें सटीक आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं जिनको हमने डिटेन किया। मैक्सिमम जो ये टैबलेट और जो कफ सिरप वगैरह जो बिक्री हो रहा है मैक्सिमम आपका देखा जाता है कि जो ड्रगिस्ट का जो दुकान है दवाई की दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा दवाई की दुकान सर उसके अगेंस्ट में आप लोग मतलब कोई दवाई की दुकानों में जो भी बिक्री अगर होगी कुछ भी होगी तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही होगी। बहुत बार हम लोग में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार बहुत मेडिकल शॉप्स के साथ हमारी मीटिंग वगैरह भी होती है जिसमें उन लोगों को बोला जाता है, हम लोग देख रहे हैं इस पहलू को भी देख।